साथियों, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को, राम राम। मैं हूं पीके बैद और गुजरात से स्वास्थ्य सेवा गांधीनगर कंपाउंडर आयुर्वेद वर्ग 3 नर्स कंपाउंडर परीक्षा 9/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्न पत्र को मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा। इसमें 135 प्रश्न आए हुए थे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इसका जो है देख लीजिए, सौजन्य से दिया है कृष्ण मुरारी आयुष फार्मासी CCRS जयपुर और मनोज कुमार DAN&P स्टाफ नर्स स्वरपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सालय जोधपुर से जो है इन्होंने अपना जो है कीमती जो है पेपर हम लोगों के ऊपर जो है मेहरबान होकर सवाल दिया है। तो इस पेपर को अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग जो है आपके क्वेरी को सॉल्व करते हुए इसको हम आपके लिए सॉल्व करा देंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो है पहला प्रश्न क्या आया हुआ था और सभी लोग जो है मित्रों अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर आए हुए नए मेहमान हैं वो लोग अपने वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से सारे प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के लाता हूं और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो इसमें पहला प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न दिया है भैषज से निकला हुआ भैषज किससे लिया जाता है। तो इसमें दिया है ऋग्वेद अथर्ववेद कौशिक सूत्र भैषज रत्नावली। तो जो लोग जान रहे हैं वो लोग टिक कर दीजिए और वैसे मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि इसमें होगा कौशिक सूत्र जो है इसे आप लोग जाने रहेंगे कि भैषज से निकला हुआ भैषज लिया जाता है कौशिक सूत्र से, यानी सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न आया हुआ था, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ था कि आश्रित शब्द के समानार्थी शब्द, आश्रित शब्द के समानार्थी शब्द, तो इसमें होगा आपका श्याम, श्याम होता है जो है आशीष शब्द का समानार्थी शब्द, इसे देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 3 इसमें देखेंगे दिया हुआ था कि भैषज कल्पना का इतिहास, उसके बाद में बीच में खाली स्थान भरना है, कितना पुराना है। तो इसका ये होगा कि भैषज कल्पना का इतिहास मानव जन्म जब से हुआ है तब उसी समय से जो है ये इतना पुराना है, जब से मानव जन्म हुआ तब से भैषज कल्पना का इतिहास जो है हमारे सबके अस्तित्व में आया है। प्रश्न नंबर 4 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि स्टाफ रूम खाली है, सभी शिक्षक प्रार्थना कक्ष में हैं, द स्टाफ रूम इज एम्प्टी, ऑल द टीचर्स इन द प्रेयर हॉल। तो चौथे का ये होगा यानी मस्ट बी हैव बी, इसमें क्या होगा मस्ट हैव बी हो जाएगा। तो द स्टाफ रूम इज एम्प्टी, ऑल द टीचर मस्ट हैव बी इन द प्रेयर हॉल, ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि आयुर्वेद का प्राचीनतम कल्प है, आयुर्वेद का प्राचीनतम कल्प है। तो इसमें दिया है अष्टविध कथा कषाय कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना, शुक्र द्रव्य निर्मित कल्प, हिम और फांट कल्पना। तो पांचवें का कौन सा सही होगा, तो इसमें पंचविध कषाय कल्पना आपका विकल्प सही हो जाएगा। आयुर्वेद का प्राचीनतम कल्प, कल्प से ही कल्पना बना दिया गया है तो कल्प है पंचविध कषाय कल्पना, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। प्रश्न नंबर 6वां देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6वां दिया है कि 50वीं छोटी अभाज्य संख्या कितनी बनती है। प्रश्न नंबर 6 का जो है इसमें ये विकल्प दिया है 17 है, 16 है, दिया हुआ है 14 है, 15 है, तो कौन सा होगा 6वें का, इसमें जो है डी विकल्प सही होगा यानी 15 बनती है, इसे नोट कर लीजिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि अल्प साधन और अल्प समय में साध्य कौन सी कल्पना है, 7वीं का जो है कौन सा सही होगा, इसमें दिया है चूर्ण कल्प हिम फांट, तो इसमें आपका जो है कल्प होगा। अल्प साधन अल्प समय में साध्य कौन सी कल्पना होती है, तो ये होगी आपकी कल्प कल्पना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में दिया है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, दोष क्लेश करवानी जरूरी हो तब चूर्ण कौन सी कल्पना होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी होगी, धीरे सेकना, एक आँच पर सेकना, सेक बगैर पानी में मिलाकर, 8वें का
सी सही होगा, सेक वगैरह यानी जो है दोष कलेश करवानी जरूरी हो तब चूर्ण की कौन सी कल्पना होनी चाहिए, सेक वगैरह सेकने के बगैर जो है आपको कल्पना देनी चाहिए मरीज। नंबर 9 देखेंगे कि घी तेल मद के अलावा प्रवाही वस्तुओं को चूर्ण में मिलानी हो तो घी तेल मद के अलावा प्रवाही वस्तुओं को चूर्ण में मिलानी हो तो क्या होना चाहिए। इसमें दिया है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, तो 9वें में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 9वें में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यानी 4 गुना क्या मिलानी पड़ेगी आपको, जैसे घी है तेल मद के अलावा प्रवाही वस्तु को चूर्ण में मिलानी हो तो कितना मिलाएंगे, 4 गुना मिलाएंगे। नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न पत्र मॉडल पेपर में आपको करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इसमें दिया है विकल्प में छंद का प्रकार ढूंढे, देवों में मानस मधु मिलन तथा स्थान संकेत जेबो, या क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है चौपाई सदा विदित साधरा दोहा, 10वें का सी होगा साधरा, इसमें क्या होगा साधरा होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि सूक्ष्म चूर्ण निर्माण के लिए बीच में खाली स्थान बड़ा हुआ है, नंबर की छलनी काम में आती है, 11वें का डी होगा यानी 80 नंबर की छलनी का जो है प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म चूर्ण निर्माण के लिए, इम्पॉर्टेंट होगा, नोट करिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, 12 में दिया है कि मनुष्य में जन्म के समय फेफड़े में रक्त भेजने वाली रक्त धमनी कौन सी है। तो इसमें दिया हुआ है विकल्प आपका महाशिरा, महाधमनी, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, 12 का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो 12 का सही होगा आपका डी विकल्प यानी फुसफुस धमनी आपका जो है ये काम करती है। दिया है कि मृदु औषध बनाने हो तो कितने गुना पानी होना चाहिए, मृदु औषध बनानी हो तो कितने गुना पानी होना चाहिए, तो इसमें आपको दिया है 4 गुना, 2 गुना, 16 गुना, औषध डूबे इतना, तो कितना इसमें होगा, तो इसमें अभी हमने आपको बताया था 4 गुना होगा, इसमें क्या होगा 4 गुना, इसे नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, 14 में दिया हुआ है कि चालू वर्ष 2017 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है। चालू जो वर्ष है 2017 जब ये पेपर बना था तो उस समय की बात हो रही है, तो इसमें दिया हुआ है 28 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, कौन सा होगा 19, 14 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा यानी 17 अक्टूबर जो है इसमें विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि दीपन क्वाथ बनाते समय द्रव्य में कौन सी कितनी मात्रा भाग की मात्रा बाकी रखना चाहिए, 15 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें दिया 12वां, 10वां, 4था, 16वां, तो 15 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प बी सही होगा यानी 10वां जो है होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता है, आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता का विकल्प सही हो जाएगा समदृष्टिगत दृष्टि दोष, ये होगा आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे बंधु, प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि प्राणी मात्र शब्द का समास पहचाने, प्राणी मात्र शब्द का समास पहचाने, प्रश्न नंबर 17 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें दिया है कर्मधारय, मध्य, पहेलिकी और तत्पुरुष समास, उस पर उपपर, कौन सा होगा बता दीजिए, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, 17 का डी होगा यानी उपपर जो है आपका प्राणी मात्र में समास होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 के परसिक यावनी का प्रयोग कृम रोग में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है, इसमें दिया हुआ है माधव निदान, सारंगधर संहिता, रोग विनिश्चय और वृद्ध माधव, तो इसमें कौन सा होगा,
18 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, यानी वृद्ध माधव। परशीक यावनी का प्रयोग कृम रोग में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया, तो ये आप लोगों का आया है वृद्ध माधव में। इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आने वाले विगत परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19 में दिया हुआ है कि दिस इज माई नोटबुक, दैट इज खाली स्थान भरना है, तो क्या होगा, तो इसमें होगा योर्स। दिस इज माई नोटबुक, दैट इज योर्स होगा, यानी ये विकल्प सही हो जाएगा, नोट करिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। जीवन के लिए हितकर द्रव्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए आयुर्वेद का एक है, क्या है, जीवन के लिए हितकर द्रव्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए आयुर्वेद का एक है, क्या है, तो इसमें दिया है विशिष्ट संवर्धना, विशिष्ट प्रयोजन, समावय निष्पक्ष, पंच भौतिक प्रतिक्षेपकरण, कौन सा होगा। 20 का बी विकल्प सही होगा, यानी जो है विशिष्ट प्रयोजना होगा, विशिष्ट क्या होगा, प्रयोजन होगा, इसका जो है बी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। इसमें दिया है राजमाता मीणा देवी मालवा झील कहाँ पर स्थित है, राजमाता मीणा देवी मालवा झील कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें दिया है मालवा, मोलाद, पाटड़ा, घोलका, तो कौन सा होगा, इसमें होगा आपका 21 में घोलका होगा, इसे नोट कर लीजिए। राजमाता मीणा देवी मालवा झील कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा घोलका में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है गाय बकरी भैंस जो औषधियाँ चरने के तरीके से स्वस्थ रहते हैं और मानव का कल्याण होता है, ये कहाँ लिखा है। प्रश्न नंबर 22 के दिया है इसमें चरक संहिता है और अथर्ववेद है, द्रव्य गुण विज्ञान है, दृढ़ बल कृत अंश में लिखा गया है, तो इसमें दिया हुआ है 22 का बी विकल्प, यानी अथर्ववेद में ये बातें लिखी गई हैं, इसे नोट कर लीजिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मुस्लिम के प्रवेश के साथ ही उसके बाद में खाली स्थान है, द्रव्य भारत में आया, कौन सा द्रव्य भारत में आया था, जब मुस्लिम भारत में प्रवेश किए थे तो कौन सा द्रव्य वो साथ में लेके आए थे, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये हमारा लिखा है आइफन केसर, आइफेन अकरकरा, आइफन चंद्रशूर, और इसे दिया है अकरकरा जाति फल, तो कौन सा होगा। 23 का जो है बी विकल्प सही होगा, आइफेन अकरकरा, तो ये जो है नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। 24 में दिया है कि पलाश, पीपल, वट आदि वृक्षों से प्राप्त निर्यात कहलाता है, पलाश, पीपल, वट आदि वृक्षों से प्राप्त निर्यात कहलाता है। 24 का सी होगा लाछा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, लाछा कहलाता है, इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25 में दिया है कि नरसिंह मेहता को मंदिर, किस मंदिर में 7 दिन भक्ति करते हुए भक्ति का गाढ़ा रंग लगा। प्रश्न नंबर 25 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें दिया हुआ है राधेश्याम मंदिर, बालकृष्ण हवेली, राधा मठ, कृष्ण मठ, गोपनाथ महाविकल्प सही होगा, ये विकल्प कौन सा होगा, ये विकल्प, यानी राधे श्याम मंदिर में नरसिंह मेहता को गाढ़ा रंग लगा था भक्ति का, नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि रोगी को प्रमथ्या देते वक्त खाली स्थान है, नहीं देना चाहिए, तो रोगी को जब भी आप प्रमथ्या दे रहे हैं तो उसे शीत जल नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे।
साखड़ा तालुका गुजरात राज्य के किस जिले में आता है? 27 साखड़ा तालुका गुजरात राज्य के किस जिले में आता है? 27 में दिया है भावनगर, छोटा उदयपुर, सूरत, बड़ोदरा। तो 27 का बी होगा छोटा उदयपुर। इसे आप सभी नोट करिए। प्रश्न नंबर 28 देख लेंगे बंधु। प्रश्न नंबर 28 में दिया हुआ है कि औषधि निर्माण की दृष्टि से मूर्छना शब्द का अर्थ लिया जाता है। औषधि निर्माण की दृष्टि से मूर्छना शब्द का अर्थ लिया जाता है, तो इसमें दिया है आम गंध रहित, संज्ञा रहित, निशेष्टा, दोष रहित। तो इसमें होगा आपका दोष रहित, डी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। देख लीजिए बंधु, प्रश्न नंबर 29 में दिया है गुजरात में कुपमल रीछ अभ्यावरण किस जिले में आता है? गुजरात में कुपमल रीछ अभ्यावरण किस जिले में आता है? 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें ये विकल्प सही होगा, भारूच जिले में आता है। कौन सा जिला है? भारूच। इसे आप सभी नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अभिषेक प्रक्रिया खाली स्थान है बनाने के लिए कौन सी कल्पना का प्रयोग किया जाएगा, बता दीजिए भैया। इसमें दिया है फांट कल्पना, हिम कल्पना, बेल बेशवार कल्पना, अशोक कल्पना। तो अभिषेक प्रक्रिया बनाने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है ये अशोक कल्पना होता है, जिसे अशोक आरिष्ट बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहासो और अशोका रिष्ट और तमाम जो रिष्ट आते हैं उनको जो है बनाने के लिए अभिषेक प्रक्रिया को जो है प्रयोग किया जाता है, आशोकल्पना के द्वारा इनको बनाया जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 में दिया है कि खनिज तथा धातुओं का अणु परमाणु संगठन, उसके बाद खाली स्थान भरना है 31 में दिया है, तो द्वारा लघु गुड़ युक्त बनाया जाता है। तो 31 का कौन सा सही होगा? पुट द्वारा। क्या बनाया जाता है? पुट द्वारा जो है इसे बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 32 में दिया है रेखांकित पद का कृदंत प्रकार है। रेखांकित पद का कृदंत प्रकार है, 32 का कौन सा होगा? तो वर्तमान कृदंत, वर्तमान कृदंत जो है इसका प्रकार होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। पारद की भस्म बनाते समय अग्नि पर उड़ने पश्चात पारद की भस्म जो है ये क्या हो जाएगी? 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सजीव बंद जो है इसका जो है विकल्प सही होगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। पारद की भस्म बनाते समय अग्नि पर उड़ने पश्चात पारद की भस्म सजीव बंद कहलाती है, नोट कर लीजिए 33 का। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। 34 में दिया हुआ है आई नेबर मेक माई सर्वेंट, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है माई शूज। 34 का दिया है तो आई नेबर मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, उसके जो है जूतों को पॉलिश करने की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 में दिया है कि पोट बंद में शुद्ध पारद और उसके बाद खाली स्थान में देखना है को पत्थर से पीसने में, फिर खाली स्थान दिया है कल्पना विधि प्रयुक्त होती है। इसमें दिया हुआ है शुद्ध गंधक प्रॉपर्टी, शुद्ध गंधक भस्म, शुद्ध हिंगुल सिंह, उसके बाद शुद्ध सिंदूर, शुद्ध हिंगुल छार। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 35 का, तो इसमें दिया हुआ है शुद्ध गंधक प्रॉपर्टी, तो इसमें तो होगा पोट बंद में शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक को पत्थर से पीसने में प्रॉपर्टी कल्पना प्रयुक्त होती है, यानी ये विकल्प आपका करेक्ट होगा, नोट करिए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। इशारों द्वारा हाल में
में ही GS-1819 सेटेलाइट के अंतरिक्ष में रखा गया था। उस स्पेस सेंटर का नाम बताओ 36 का कौन सा होगा? तो इसमें दिया है सतीश धावन सेंटर, इसका भी विकल्प सही होगा, सतीश धावन स्पेस सेंटर, इसे नोट कर लीजिए, बी विकल्प सही होगा। इसके आगे के प्रश्नों को देखिए भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज मैं आप लोगों के करा रहा हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। हमें खाली स्थान भरना है, ये माणिक्य और नीलम बनाने के लिए मिलता है, यह एक पाषाण खंड है। 37 में सी होगा तो इसमें होगा सैद्धानिक, सैद्धानिक ये माणिक और नीलम बनाने के लिए मिलता है और यह पाषाण खंड है। इम्पोर्टेंट है भाई साहब, नोट करिए। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, 38 में दिया है विद लवण का समानार्थी है, 38 का कौन सा होगा? विद लवण का समानार्थी है यवसार। प्रश्न इसमें ये दिया है विकल्प नवसार, चुल्लिका, सैंधव, ए और बी दोनों कौन सा होगा? तो इसमें 38 में डी विकल्प सही होगा, ये और बी यानी नवसार चुल्लिका जो है विद लवण का समानार्थी है, नोट करिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 39 देख लेंगे, इसमें दिया है एक भाग चूर्ण, उसके बाद खाली स्थान है, भाग शुद्ध पानी मिलाकर 12 घंटे रखने पर चूर्णोदक बनाने के लिए काम में आता है, 39 का कौन होगा? तो ये होगा 240, क्या होगा? 240 होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मुहावरों का अर्थ बताओ, मुहावरों का अर्थ बताओ अंतरा रखना, तो इसमें क्या होगा? मुहावरों का अर्थ पूछा है अंतरा रखना, तो इसमें क्या होगा? अंतर रखना, पीड़ा होना, भेदभाव रखना, नुकसान करना, तो इसमें होगा भेदभाव रखना, अंतरा रखना मतलब भेदभाव रखना, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, इसमें दिया है तुत की भस्म बनाने हेतु, खाली स्थान दिया है कि भावना देनी चाहिए, तो इसमें होगा आपका नींबू की रस की भावना देनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, इसमें दिया है ओपन ऑफिस में वर्ड एप्लीकेशन जैसा कार्य करने वाली एप्लीकेशन है, 42 का जो है बी सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए भाई साहब, इम्पोर्टेंट होगा। 43 देखेंगे, 43 में दिया हुआ है खाली स्थान है, ये पाचन संस्थान के लगभग मोटे भाग के रोगी में प्रयोग की कल्पना होती है, 43 का बी होगा प्रॉपर्टी कल्पना, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, इसमें दिया है एक रोगी ने दो शर्ट 1,050 रुपये में खरीदी, पहली शर्ट 16% फायदे पर में और दूसरी 12% फायदे में बेचने पर व्यापारी को फायदा और नुकसान नहीं हुआ, पहली शर्ट की कीमत बताइए, तो पहली शर्ट की कीमत कितनी होगी? 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, तो इसका होगा आपका विकल्प 450 रुपये होगा, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, शीशी में बनने वाला खाली स्थान है, रस दो प्रकार से बनता है, 45 का कौन सा होगा? तो इसमें होगा कंठस्थ और दूसरा क्या होगा? तलथस्थ होगा, समीपग्न तलथस्थ होगा जो है, इसका विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, 46 में दिया हुआ है खाली स्थान है, इस पुष्प का कल्प प्रयोग में होता है लेकिन इसको बनाने हेतु किसी पुष्प का प्रयोग नहीं होता, 46 का दिया है रस पुष्प
यशद पुष्प नसार दर पुष्प काशिश पुष्प कौन सा होगा? 46 का बी होगा, यशद पुष्प। नोट करिए भाई साहब, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 47 का देखेंगे। 47 में दिया है दिस वाल, उसके बाद खाली स्थान ही ये क्रैक इन इट, तो क्या होगा इसके बाद? इसमें होगा दिस वाल हैज ये क्रैक इन इट, यानी आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 48 में दिया है कि रसायन औषधि का घूट के साथ, रसायन औषधि का घूट के साथ पथ्य रखना आवश्यक है। खाली स्थान दिया हुआ है तो इसमें दिया है कुर बिंदु, रसायन औषधि का घूट के साथ कुर बिंदु पथ्य रखना आवश्यक होता है। नोट कर लीजिए, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे बंधु। प्रश्न नंबर 49 में दिया हुआ है कि पारद में गिरी दोष दूर करने हेतु, जो पारा होता है उसका गिरी दोष दूर करने के लिए खाली स्थान दिया है कि सात पारद का मर्दन करवाना चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है त्रिफला चूर्ण, लाल सरसों, त्रिकुट चूर्ण, लाल धतूरा, पंचांग। 49 का सी होगा, त्रिकुट कूट चूर्ण जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 में दिया हुआ है उत्तम भस्म की परीक्षा है, उत्तम भस्म की परीक्षा है, मृदुत्व निश्चयदत्व और निमूद द्रव्य ऊनम कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका डी उन्नम, उत्तम भस्म की परीक्षा है। प्रश्न नंबर 50 का ये विकल्प आपका सही, डी विकल्प सही हो जाएगा, उन्नम। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 में दिया है कि कजली बनाने के लिए खाली स्थान दिया है पारद उत्तम माना जाता है, तो कजली बनाने के लिए कौन सा पारद उत्तम माना जाता है इसे बताना होगा। तो इसमें दिया है षट संस्कारित, अष्ट संस्कारित, विशुद्ध, अशुद्ध कौन सा होगा? तो इसमें होगा बी, यानी अष्ट संस्कारित जो है पारद की आवश्यकता उत्तम माना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में हमने अभी आपको 51 प्रश्न करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर कहेंगे तो 52 से जो है आगे के प्रश्नों को मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।